वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेमबो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोसाइट काउंट टेस्ट के बारे में। मोनोसाइट काउंट टेस्ट को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट, एएमसी, मोनोसाइट, या ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का भी एक पार्ट होता है, तो इसको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में भी करवाते हैं। अगर इसकी आकृति, इसकी शेप की बात करें तो ये बाहर से वाइट होते हैं और अंदर इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो होते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के एक पार्ट होता है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। डीएलसी जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है। हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स के अलावा रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। इसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट का आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर हम बात करें मोनोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, तो इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को बाहरी इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट से हमारे शरीर का बचाव करना तथा हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट्स में 0.2 से 0.95 क्यूबिक एमएम होती है, और इन्फेंट्स में मतलब 6 महीने से 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें जो इसकी वैल्यू होती है 0.6 माइक्रोलीटर मतलब क्यूबिक माइक्रोलीटर होती है, और चिल्ड्रेन में इसकी जो वैल्यू होती है मतलब 4 से 10 साल के बच्चे में इसकी जो वैल्यू होती है 0.0 से लेकर 0.8 के बीच में होती है। अगर हम बात करें कि मोनोसाइट कम होने के क्या लक्षण होते हैं, तो मोनोसाइट अगर किसी व्यक्ति में कम होगा तो उसमें क्या होगा, शरीर में दर्द, सर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, नाक से पानी निकलना, शरीर में सूजन होना, रेडनेस होना, यदि चोट या चीरा लग जाती है उसकी जहाँ पे मवाद हो जाना, खांसी आना, बहुत ज़्यादा बलगम आना, तो ये मोनोसाइट कम होने के लक्षण हो सकते हैं। अगर हम बात करें मोनोसाइट कम होने के कारण क्या होते हैं, तो बीमारियाँ जैसे कि HIV, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बोन मैरो फेलियर या बोन मैरो डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर जैसे कि लिम्फोमा या कोई इन्फेक्शंस, लीवर और स्प्लीन से रिलेटेड बीमारियाँ, या किसी व्यक्ति ने कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी ली है उस कंडीशन में भी कम हो सकते हैं। साथ साथ में कुछ मेडिसिन या एंटीबायोटिक के काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल करने की वजह से भी इसका लेवल जो होता है वो कम हो सकता है। अगर हम बात करें मोनोसाइट ज़्यादा होने के लक्षण, तो इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति का वजन घटता है, बुखार, रात को पसीना, थकान, बहुत ज़्यादा खांसी आना, छाती में दर्द तथा सूजन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। उसके साथ साथ में व्यक्ति में पेट दर्द भी हो सकता है। यदि हम बात करें मोनोसाइट ज़्यादा होने के क्या कारण होते हैं, तो सूजन संबंधी बीमारियाँ, ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस करना, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मौसमी बुखार, टीवी या डायबिटीज़ की वजह से मोनोसाइट का काउंट बढ़ सकता है। अगर बात करें कि मोनोसाइट काउंट को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप खट्टे फल खाएं, लहसुन, अदरक, पालक, दही तथा सूजन जो पदार्थ कम करते हैं वो ऐसे खाने से इसका जो लेवल होगा वो काउंट कम हो सकता है। साथ साथ में बादाम वगैरह भी इसमें हेल्प करेंगे और लाल शिमला मिर्च। अगर हम बात करें मोनोसाइट टेस्ट कैसे किया जाता है, तो मोनोसाइट टेस्ट के लिए जो होता है सिंपल ब्लड की ज़रूरत होती है। जैसे आपके हाथ से ब्लड नॉर्मल लिया जाता है वैसे से वैसे इसके लिए लिया जाता है। फास्टिंग वगैरह की ज़रूरत इसके लिए होती नहीं है और ये बहुत कम इसमें दर्द होता है। अगर इस टेस्ट की प्राइस की बात करें तो ये जो होता है 70 रुपये से 100 रुपीज़ के बीच में होता है। जनरली क्या होता है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट का एक पार्ट होता है। CBC के बारे में मेरे आप चैनल विजिट कर सके, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेमबो।